हिंदू पौराणिक इतिहास में श्राद्ध पक्ष का अपने आप में विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार पुष्कर सरोवर में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। क्या यह एक महज कल्पना है या फिर इसके पीछे लंबा इतिहास छिपा हुआ है? पुष्कर सरोवर में श्राद्ध पक्ष के महत्व को लेकर पेश है स्वामी न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः। पद्म पुराण में साफ लिखा है कि पुष्कर में जाना दुर्लभ है, स्नान करना दुर्लभ है, तप करना मुश्किल है और यहाँ पर जन्म लेना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है कि यदि आपने सभी तीर्थों में पूर्वजों का श्राद्ध किया है लेकिन उनकी आत्मा को शांति पुष्कर में पिंडदान करने से मिलती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी सभी तीर्थों के बाद अपने पिता दशरथ का धार्मिक नगरी पुष्कर में श्राद्ध किया था। यहाँ कल पूर्णिमासी से प्रतिपदा तक ये 16 श्राद्ध बनाए जाते हैं। श्राद्ध दिवस में यहाँ पितरों को तर्पण पिंडदान जल तर्पण करते हैं। पुष्कर में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह सब तीर्थों का गुरु है तो गुरु को मोक्ष होता है। यह साक्षात अकाल मृत्यु जो भी गुजरती आत्माओं का मोक्ष होता है। पद्म पुराण में, वायु पुराण में, अग्नि पुराण में, रामायण में, गीता में, सब में इसका वर्णन आता है। गया गंगा कुरुक्षेत्र प्रभा से पुष्करानी से एतानी मुख्य तीर्थानी श्राद्ध काले भवंतिया। यहाँ सात कुल का मोक्ष होता है। साक्षात इस मृत्यु लोक पे स्वर्ग लोक शपथ पितृ यहाँ 16 दिन पधार कर अपने पुत्रों द्वारा पिताओं द्वारा जो दिया हुआ अन्न ग्रहण करते हैं उससे संतुष्टि मिलती है। वही अन्न साल भर तक ग्रहण करते हैं, इससे पित्त तृप्त होते हैं। इसके करने से घर में सुख शांति होती है, अन्न धन की वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, गृह क्लेश का निवारण होता है। ये पितृ श्राद्ध हर एक मनुष्य को करना चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के हर हिस्से से जिस तरह श्रद्धालु अपने पूर्वजों के श्राद्ध के लिए पुष्कर आ रहे हैं उससे यह साफ जाहिर है कि आज भी हमारी धार्मिक परंपराओं ने हमें एक सूत्र में पिरो रखा है। दक्षिण भारत से लेकर पूर्वांचल और मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत के हर हिस्से से लोग अपनी आस्था का दामन थामे पुष्कर आ रहे हैं। सभी लोग बस लेके वलसार में आया, पुष्कर में आया और पुष्कर में सभी लोगों को पितृ श्राद्ध करने के लिए उधर लाए और पितृ श्राद्ध की क्रिया उधर हो रही और पितृ श्राद्ध हुआ और हमारे यहाँ पितृ श्राद्ध के लगभग 20-22 लोग आए हैं और यथावत विधि पूर्वज के अनुसार किया और शांति से वो विधि हो रही और पूरा हो गया। जिला से आया हूँ और पितरों का श्राद्ध करने के लिए, तो मेरे को खबर मिली थी वलसार में कि वो उधर अच्छा करते हैं, इसीलिए सब लोग हमारे बस लेके उधर आ गए और इतनी सुविधाएं मिली कि वलसार में ऐसा भी श्राद्ध नहीं होता था। इधर इतना है, सब भीड़ में हम लोग श्राद्ध करवा रहे हैं। वो ये सरकार को बहुत धन्यवाद है, कोई हमको ऐसा व्यवस्था भी की गई है तो सब लोग पितृ श्राद्ध से वो कोई भी कुंडल में कोई भी जन्म लिया था मरण हुआ वो पितृ श्राद्ध से करा से वो कोई भी होनी मार्ग में चला जाता है। पुष्कर में श्राद्ध करवा माटे जो हमने मौको मिलो एक हमने एवं दिवस हमने सारा माटे एटले हमें यहाँ श्राद्ध करी, हमें भारत पर श्राद्ध करायो अने यहाँ स्नान करी ने श्राद्ध करी ने हमें पछी बधा राजस्थान में बधा फरवा निकळवाना छे फरी करी ने अमारो आज श्राद्ध पूरुं थाय छे। आजे आज के इस आधुनिक युग में जहां बेटी हर वो दायित्व निभा रही है जो मान्यताओं के अनुसार बेटों का कहा जाता है, चाहे पिता को कंधा देना हो या फिर अग्नि देना, इसी तर्ज पर अब बेटियां भी अपने पूर्वजों के श्राद्ध कर्म में पीछे नहीं रही और अपनी भावनाओं को समेटकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी। आटे के पिंडों के रूप में पूर्वजों को विराजमान करना, उनकी इच्छा की हर वस्तु उन्हें अर्पित करना और फिर कौवे का आह्वान कर उसे भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के बाद श्रद्धालुओं के जो मनोभाव थे उससे ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अपनी मंजिल मिल गई हो। सूर्य के साक्षी अग्नि का प्रमाण और ब्राह्मण के मुंह से निकले वैदिक मंत्रों के साथ इस कर्म का समापन होता है। अपने पूर्वजों को तर्पण देने के बाद श्रद्धालु ने अपने अनुभव जो स्वामी न्यूज के साथ बांटे उसमें उन्होंने कहा कि आज तक तो सिर्फ सुना था लेकिन आज महसूस भी किया है कि वास्तव में पुष्कर सरोवर में आकर श्राद्ध करने से मानसिक शांति मिलती है।
અમે વલસાડ ગુજરાતથી ગુજરાત વલસાડથી પુષ્કર શ્રાદ્ધ માટે પિતૃના શ્રાદ્ધ માટે અહીંયા આવ્યા છે. પિતૃને મોક્ષ મળે એ માટે. અને એ નારિયેળ છે, ફૂલ છે, ચાવલ છે, એ પ્રકાર છે. અહીંયા મહારાજ છે, અમ તો પૂજા કરાવી. આજ યહાં પુષ્કર મેં પિતૃ તર્પણ હો રહા હૈ, તો યહાં સે હમ સાથ કે આયે. સબ બોલતે હૈ કે લેડીઝ નહીં કર સકતી, મગર હમને કિયા હૈ. ઓર મેરે હિસાબ સે સબ મુજે ઇતના વિશ્વાસ હૈ કે ભગવાન હમારે પિતૃ કો મોક્ષ દેંગે. બસ ઇતના હી. પ્રકાર સે શ્રાદ્ધ કિયા હૈ, આપકો કૈસા મહેસૂસ હુઆ યહાં પર, આપને જો પૂજન કિયા ઉસે? મુજે બહોત અચ્છા લગા. ઓર આજ મુજે બ્રાહ્મણ ને બોલા કે લેડીઝ ભી કર સકતી, તો અચ્છા લગા. ઓર મેરે પિતૃ સે ભી મુજે ઇતના આશીર્વાદ મિલેગા, એસા મેરા વિશ્વાસ હૈ. उधर पुष्कर धाम में बहुत हमने सुना है, इसलिए उसका साथ हमारा दादा दादी का करने के लिए आए हैं. वो मैंने बच्चे के साथ किया है. पुराणों में सच ही लिखा है, गया गंगा कुरुक्षेत्र ऐतानी मुख्य तीर्थानी पुष्कर श्राद्धे काले भवंतिका. श्राद्ध पक्ष न केवल हमारी धनी आध्यात्मिक संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि यह वह समय है जब हर घर का पूर्वज अपने वर्तमान से कुछ उम्मीदें करता है और उनके जीवन में खुशहाली का आशीर्वाद देता है. पुष्कर से रमेश कुमावत के साथ सीताराम पाराशर की रिपोर्ट.